subscribe now and press the bell icon never miss an update بسم الله الرحمن الرحيم अस्सलाम वालेकुम गाइस वेलकम बैक टू माय youtube इंग्लिश लिटरेचर चैनल तो आज हम बात करने वाले हैं नजीब महफूज की बायोग्राफी के बारे में नजीब महफूज जो है वो 11 दिसंबर 1911 को पैदा हुए इन इजिप्ट ओल्ड सीएरो में और इनकी डेथ भी सीएरो में ही हुई बट 13 अगस्त 2006 में نجيب محفوظ अब्दुल अजीज़ इब्राहिम अहमद अलबाशा ये इनका फुल नेम है वो एजिप्टन राइटर थे एज़ वेल एज़ ये इन्होंने 1988 में नोबल प्राइज़ भी जीता है अपनी राइटिंग की वजह से अरेबिक लिटरेचर की वजह से फिर तो उसके बाद इन्होंने अरेबिक लिटरेचर में जो फ़र्स्ट कंटेम्प्रोरी जिसके साथ ये रहे हैं वो है ताहा हुसैन इसके साथ इन्होंने अरेबिक वर्क भी किया है और उसके बाद इन्होंने एक्सिस्टेंशलिज़म को भी एक्सप्लोर किया है एक्सस्टेंशलिज़म इज़ अ थेरी in which the writer said that man is free man is responsible of their own actions actually man is alive man is alone in this deathless universe ठीक है तो ये इसी से निहलिज्म थेरी भी निकलती है क्योंकि वो कहते हैं कि गॉड जो है वो कुछ नहीं है गॉड एग्जिस्ट ही नहीं करता सिर्फ मैन इज़ द सेंटर ऑफ यूनिवर्स मैन ही एग्जिस्ट करता है और मैन जो भी करता है वो उसका ख़ुद रिस्पॉन्सिबल होता है राइट right या रॉन्ग जो भी उसके रिजल्ट्स उसको मिलते हैं ये नहीं कह सकता कि मेरी किस्मत ऐसी थी या मेरे नसीब में ये लिख दिया गया था नहीं नहीं वो उसका खुद ही जो है रिस्पॉन्सिबल है ये एग्जिस्टेंश्म थेरी जो है इस पर भी इसने वर्क किया है एग्जिस्टेंशलिज़म की थेरी पर इसने किन लोगों के लिए वर्क किया है इजिप्ट के लोगों के लिए उन्होंने समझ लिया था कि नहीं भाई ये जो हुक्मरान हम पे रूल कर रहे हैं यही हमारा सब कुछ है हम तो सर्वेंट हैं हम तो ग़ुलाम हैं इवन कि वो लोग वहाँ पर रहते भी नहीं थे वो बाहर से आए थे उन्होंने इजिप्ट एजिप्ट आके रूल शुरू कर दिया इजिप्ट के लोगों ने कोई उनके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई उन्होंने मान लिया कि नहीं यही हमारे गुलाम हैं हम तो कुछ हैं ही नहीं उनको जगाने के लिए उनको उनकी जो फिज़िकली तो वो जाग रहे थे बट मेंटली स्लीप थे डेढ़ साल उसने एक एग्जिस्टेंशलिज़म थेरी जो है उस पर वर्क किया ताकि मे भी वो लोग उठें और अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाएँ ठीक है क्योंकि मैन ही रिस्पॉन्सिबल है कोई ऊपर से कोई फरिश्ता नहीं आएगा तुम्हारे लिए काम करने के लिए या मुआजा दिखाने के लिए तुम कुछ करोगे तो ही तुम्हें कुछ मिलेगा तो डेट्स वाई ही यूज़ द एक्स्टेंशलिज़म थेरी इन अबाउट सम लिट्रेरी लाइफ ऑफ नजीब महफूज हीज़ फ़र्स्ट नावल ऑफ़ पब्लिश इन नाइनटीन थर्टी नाइन ठीक है फिर उसके बहुत ज़्यादा गैप के बाद 1952 में इनका इनके टेन वर्क्स टेन वर्क्स एक साथ पब्लिश हुए फिर 1953 में एक और नावल पब्लिश हुआ फिर उन्होंने नाइनटीन फिफ्टी के बाद 1957 में इनकी अपीयर हुई जिसमें बयानल्कसरेान था कसरुलशाक था और सुकेरिया ये तीन एक साथ वर्क थे ट्रियोलॉजी थी फॉर इजिप्ट इजिप्ट के लोगों के लिए लिखी गई ताकि इजिप्ट के लोग जो है उनकी जो अर्बन लाइफ है वो उनके उसमें कोई शा पैदा हो क्योंकि पूरे अरब थ्रू आउट दी वर्ल्ड भी थ्रू आउट दी अरब फेमस रहे फिर द चिल्ड्रन ऑफ ज बैवी नाइनटीन में पब्लिश हुआ फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया नाइनटीन '61 में ठीक है 1961 में एक साल के गैप के दौरान उन्होंने द थीफ एंड द डॉग लिखा फिर ऑटोमन कोयल लिखा नाइनटीन में फिर स्माल टॉक ऑन द नील फिर नाइन्टीन सिक्सटी में फिर एंड मिरामर ये बहुत फेमस वर्क था उनका 1967 में इन्होंने फिर लिखा फिर इसके बाद उन्होंने शॉर्ट स्टोरीज की कलेक्शन भी दी जिसमें द मम्मी द अवेकन जिसकी वीडियो अपलोड हो चुकी है वो आप देख सकते हैं जाके वो भी इन्होंने पब्लिश तमाम काम कर करने के बाद नाइनटीन में ये सिविल सर्वेंट के तौर पर भी इन्होंने काम किया फिर इन्होंने एक्चुअली इन्होंने कितने वर्क्स लिटरेरी पीस ऑफ वर्क्स लिखे इन्होंने थर्टी नावल्स लिखे एक्चुअली थर्टी फोर या थर्टी फाइव भी सम टाइम सम प्लेस पर लिखा हुआ है फिर इन्होंने हंड्रेड से ज़्यादा हंड्रेड से ज़्यादा शॉर्ट स्टोरीज लिखी एंड टू हंड्रेड से ज़्यादा आर्टिकल दिखे और डजनस ऑफ मूवी मूवीप्ट्रिप्ट भी इन्होंने लिखे हैं ठीक है फिर इजिप्ट के कल्चर में तह उनकी ट्रेडिशन या तहजीब के लिए इनके वर्कस को जाना जाता है ठीक है फिर उसके बाद गैबिटर्स टू गल्फ गैबिटर से खलीज तक अगर किसी की मिसाल देनी हो ना किसी ट्रेडिशनल राइटर की तो इजिप्ट में नजीब महफूज की नाम की मिसाल दी जाती है और इसी के साथ हमारी वीडियो एंड होती है आई होप यू ऑल दुआ मुझे याद रखिएगा एंड ऑफ टू सब्सक्राइब आर चैनल फॉर मोर अपडेट्स थैंक फॉर वॉचिंग